इस ब्रह्मांड के उद्गम को एक स्त्री शक्ति से मानने वाले सनातन धर्म के शाक्त संप्रदाय में 10 देवियों का एक ऐसा समूह है जिनको 10 महाविद्या कहा जाता है। शाक्त संप्रदाय में बड़े धूमधाम से इन देवियों की पूजा होती है, पर जिन लोगों को इन देवियों के बारे में नहीं पता है वो इन देवियों के चित्रण को देखकर या तो डर जाते हैं या उनकी निंदा करते हैं। और डर लगे भी तो क्यों ना, अगर हम केवल ऊपर इन देवियों की मूर्ति कला को देखेंगे तो पाएंगे कि जहां एक देवी तो अपने ही सर को काटे हुए हैं और संभोग में रत कामदेव और रति के ऊपर खड़ी हैं, वहीं एक देवी नग्न अवस्था में केवल मुंड माला धारण किए हुए शिव जी के ऊपर खड़ी हैं और उनके पीछे शमशान में चिताएं जल रही हैं। इन्हीं में एक दूसरी देवी ने तो बिल्कुल विधवाओं का वेश धारण किया हुआ है। अब देवियों के इस प्रकार का अंकन देखकर जहां हमें एक तरफ आश्चर्य होता है, वहीं दूसरी तरफ ये भी जिज्ञासा उठती है कि 10 महाविद्या के नाम से विख्यात ये देवियां इतनी विचित्र क्यों हैं, या फिर ये हिंदू सनातन परंपरा से अलग कोई कल्ट है जिसने कुछ अलग ही रास्ता पकड़ लिया है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 58 में स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई भाइयों बहनों ने पिछले कई महीने से 10 महाविद्या पर एक वीडियो का आग्रह किया था और हमने ये संकल्प लिया कि हम इस नवरात्रि पर एक ऐसी वीडियो आपके समक्ष लाएंगे जहां पर हम इन 10 महाविद्याओं की चर्चा करेंगे और न केवल उनके रूपों की विवेचना करेंगे बल्कि हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो हिंदू मौलिक विचारधारा है उस विचारधारा में उस आध्यात्म में ये 10 महाविद्याएं किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, शाक्त संप्रदाय की इन 10 महाविद्याओं के विषय में हमें महाभागवत और बृहद धर्म इन दो उप पुराणों में देखने को मिलता है। वहां पर एक श्लोक आता है, ध्यान श्लोक। इस श्लोक में इन 10 महाविद्याओं के नाम बताए गए हैं। ये जो श्लोक है, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ताच विद्या धूमावती तथा बंगला सिद्ध विद्याच मातंगी कमलात्मिका एता दश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। तो दोस्तों, इस श्लोक में हमें 10 महाविद्याओं के विषय में पता चलता है, जिनके नाम है काली, तारा, षोडशी जिनको त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, फिर भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तो दोस्तों, इनमें से कई देवियों का नाम आपने सुना होगा लेकिन कुछ देवियों के नाम आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। तो हम बारी बारी से इन देवियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इनकी रूप की विवेचना करेंगे, इनको किस तरह से चित्रित किया गया है और इनका रूप कैसा दिखता है। तो सर्वप्रथम हम माँ काली से प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, जब हम माँ काली के रूप को देखते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि सदैव उन्हें कृष्ण वर्ण में दिखाया जाता है। उनके भी चार हाथ दिखाए गए हैं और उनकी जो मुखाकृति होती है बहुत उग्र होती है और उनके चरणों के नीचे शिवजी पड़े रहते हैं। अब अगर उनके हाथों को देखा जाए तो बाईं तरफ के जो दो हाथ हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो बाईं तरफ ऊपर के हाथ में हम देख सकते हैं कि एक खड़क दिखाई जाती है जो खून से लथपथ रहती है। वहीं जो नीचे वाला हाथ है उसमें एक कटा हुआ सिर वो पकड़े रहती हैं। उसी तरह से अगर आप दाईं तरफ आएंगे तो जो ऊपर का हाथ है वो एक अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का अर्थ होता है कि भयभीत मत हो, मैं हूं। और उसके बाद जो नीचे वाला हाथ है दाईं तरफ, वो वरदान की मुद्रा में रहता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो माँ काली को हमेशा एक नग्न अवस्था में अंकित किया जाता है जिसमें वो मुंड की माला धारण किए रहती हैं। अब अगर उनके वातावरण को देखा जाए तो या तो एक शमशान घाट रहता है या फिर कोई युद्ध की भूमि रहती है। तो ये माता का बहुत ही विकराल और भयावह रूप है। अब अगर आप शाक्त ग्रंथों को देखेंगे तो लगभग सभी में जो ये 10 महाविद्या है इनमें सर्वप्रथम माँ काली को ही माना गया है। कुछ में तो माँ काली जी को ही जन्मदात्री माना गया है इन सभी 10 रूपों की 10 महाविद्याओं की। माँ काली जी ने ही रक्त बीज और चंड मुंड जैसे महादैत्यों का नाश किया था और इसी वजह से उनको चामुंडा देवी भी कहते हैं और उन्होंने ही मधु कैटभ और महिषासुर का भी वध किया था। दोस्तों, अगर आपको भी माँ काली जी के इन शत्रु संहार की कथाओं को एक अलग ही एक्सपीरियंस के साथ सुनना है तो आप कुकू FM पर माँ काली नाम की एक ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। वहाँ पर माँ काली जी ने जितने भी राक्षसों का वध किया है, चाहे वो महिषासुर हो, चंड हो, मुंड हो, मधु हो, कैटभ हो, शुंभ हो, इन सभी की वध कथाओं को स्पेशल साउंड इफेक्ट्स के साथ कवर किया गया है जिससे ऑडियो बुक आपके एक्सपीरियंस को डिवाइन बना देती है। और इसीलिए काफी लिसनर्स ने इस ऑडियो बुक को 5 स्टार की रेटिंग दी है और मैं भी 5 out of 5 ही रेट करता हूँ। दोस्तों, कुकू FM पर 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं जो दैनिक रूप से 1.5 लाख घंटे का कंटेंट सुनते हैं और लाभ उठाते हैं, क्योंकि ऑडियो बुक को सुनने से आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से दूर जाते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ और आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। साथ में कुकू FM पर धार्मिक ऑडियो बुक्स के अलावा और भी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है जो आपको मंथली केवल 99 रुपीज में सुनने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप कूपन कोड Hyper50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही कुकू FM को डाउनलोड करें,
मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। दोस्तों अब आइए माँ काली के बाद अन्य जो 9 बची महाविद्याएं हैं उनके भी रूप को देख लेते हैं। साथियों माँ काली के बाद स्थान आता है माँ तारा देवी का, और अगर तारा देवी जी का भी स्वरूप देखे तो बिल्कुल हूबहू माँ काली जी के स्वरूप से मिलता जुलता है और उतना ही भयावह और विकराल है। बस यहाँ पर जो माता जी का पेट है वो मटके की तरह दिखाया जाता है, और ये जो रूप है माता का ये तांत्रिकों के मध्य बहुत ज्यादा पूजनीय है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ पर सती जी के नेत्र गिरे थे पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में, वहां पर ही नयन तारा या तारापीठ मानी गई है। इनके बाद आती हैं त्रिपुर सुंदरी, जिनको ललिता या राजराजेश्वरी भी कहते हैं। इनको षोडशी भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि माता जी का ये अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण था। अगर त्रिपुर सुंदरी नाम को देखा जाए तो चूंकि त्रिपुरा में ऐसा माना जाता है कि माता सती के वस्त्र गिरे थे इसीलिए इनके नाम में त्रिपुर है, और चूंकि ये 16 साल की आयु की देवी है इसलिए इनको सुंदरी भी कहा जाता है। और अगर आप इनका चित्रण देखें तो इनको शिव जी की नाभि से निकले हुए कमल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। इनके बाद आती है माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का अगर आप अर्थ देखें तो भुवन मतलब ब्रह्मांड और ईश्वरी का मतलब जो उसका मालिक यानी शासक हो, तो जो ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, उनको माँ भुवनेश्वरी कहा गया है। और ये गौर वर्ण की देवी है और इनका बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ अंकन किया जाता है। इसके बाद आती है माँ छिन्नमस्ता, जिनका अगर आप रूपांकन देखेंगे तो आपको बहुत ही विचित्र दिखता है। इन्होंने अपने ही सर को काट के रखा है, बाएं हाथ में अपना सर लिया हुआ है और दाएं हाथ में एक खड़ग है। अब इनके कटे हुए धड़ से 3 रक्त की धाराएं निकलती हैं। एक धारा इनके मुख में ही जा रही है और बाकी 2 धाराएं इनकी सहचरियों के मुख में गिर रही हैं। अगर इनके पैरों के नीचे देखा जाए तो कामदेव और रति को संभोग करते हुए इनके पैरों के नीचे दिखाया जाता है। तो ये बहुत ही विचित्र रूपांकन है और इसीलिए इनको इस संसार की इस परिवर्तनशील प्रकृति की देवी माना गया है। अब इनके बाद आती है माता भैरवी, जिनको त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। इन देवी माँ को लाल वर्ण में दिखाया जाता है, ये लाल वस्त्र ही पहनती हैं, इनकी आंखें भी लाल लाल दिखाई गई हैं, इनका बहुत ही उग्र रूप दिखाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनमें 1000 सूर्यों जितनी शक्ति है। साथ में अगर देखा जाए तो इनकी गर्दन, हृदय और कमर पर 3 मानव सिरों की मालाएं देखी गई हैं, इसीलिए इन्हें कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन की देवी कहा गया है। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी में शिव जी को देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन की देवी को त्रिपुर भैरवी कहा गया है। इनके बाद आती है धूमावती देवी, और धूमावती देवी को विधवा माता भी कहा जाता है और इसीलिए इनको विधवा जैसी वेशभूषा में दिखाया गया है। इनका रंग फीका रहता है और इन्हें कौवे की सवारी करता हुआ दिखाया जाता है। इनकी पूजा से माना जाता है कि स्त्री को आत्मबल मिलता है और जीवन में निडरता आती है। अब आते हैं बंगलामुखी देवी पर। इन देवी को एक सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और एक शत्रु का संहार कर रही होती है। इन्हें पीले वस्त्र में चित्रित किया जाता है और इनकी पूजा भी युद्ध में विजय और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इसके बाद आती है देवी मातंगी, और ये कृष्ण वर्ण की बहुत ही सुंदर सी देवी है जो एक सिंहासन पर विराजमान रहती है। इन्होंने अपने गले में एक फूलों की माला धारण की हुई है और इनके भी 4 हाथ दिखाए जाते हैं। इनके बाद आती है कमला देवी, और ये भी बहुत ही सुंदर रूप वाली देवी है, और ऐसा माना जाता है कि ये लक्ष्मी देवी का एक तांत्रिक रूप है। तो यहाँ पर हमने रूपों के विषय में देख लिया है कि किस प्रकार से 10 महाविद्याओं का चित्रांकन रूपांकन किया गया है। अब हम देखेंगे कि इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके पीछे क्या अध्यात्म छुपा हुआ है। दोस्तों अगर अब ये देखा जाए कि इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे जितने भी संप्रदाय हुए हैं, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो या शैव संप्रदाय हो और अंत में ये शाक्त संप्रदाय, हर जगह हमने अवतारवाद की धारणा देखी है। तो अवतारवाद के सिद्धांत पर हमने देखा है कि वैष्णव संप्रदाय में विष्णु जी के 24 अवतार की अवधारणा है, जिसमें से 10 अवतार को मुख्य अवतार कहा जाता है या दशा अवतार के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह से हमने शैव संप्रदाय में भी शिव जी के अवतारों को देखा है। तो इसी विधा पर अवतारवाद की धारणा को समाहित करते हुए शाक्त संप्रदाय ने भी अपनी आदि शक्ति, या हम जिसे दुर्गा जी भी कह सकते हैं, उनको 10 रूपों में देखा है और उसी को 10 महाविद्या कहते हैं। और इसका प्रमाण हमें गुह्यति गुह्य तंत्र में मिलता है। इस तंत्र में दिए गए श्लोकों में एक एक महाविद्या को एक एक विष्णु जी के अवतार से कंपेयर किया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि काली जी जो है वो कृष्ण जी के अवतार के समकक्ष है। ऐसे ही तारा जी श्री राम जी के, त्रिपुर सुंदरी कल्की जी के, भुवनेश्वरी वराह जी के, भैरवी नरसिंह जी के, छिन्नमस्ता परशुराम जी के, धूमावती वामन, बगलामुखी कूर्म, मातंगी बुद्ध जी और कमलात्मिका मत्स्य अवतार के समकक्ष हैं। ऐसा ही एक प्रमाण हमें टोडल तंत्र में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर इन 10 महाविद्याओं को 10 विष्णु जी के जो मुख्य अवतार हैं उनसे कंपेयर किया गया है। पर वहाँ पर जो कंपैरिजन है वो थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ पर तो काली जी कृष्ण जी के समकक्ष हैं, लेकिन तारा देवी जी मत्स्य अवतार के समकक्ष मानी गई हैं। ऐसी त्रिपुर सुंदरी परशुराम, भुवनेश्वरी वामन, भैरवी बलराम, छिन्नमस्ता नरसिंह, धूमावती वराह, बंगलामुखी कूर्म,
मातंगी श्रीराम और कमलात्मिका बुद्ध जी के समकक्ष रखी गई हैं। तो जिस प्रकार से हम विष्णु जी के अवतारों में देखते हैं कि उनका अवतार ही होता है धर्म की स्थापना के लिए, असुरों का वध करने के लिए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी पौराणिक कथाएं बुनी गई हैं और ऐसा माना गया है कि इन देवियों का भी जो अवतार हुआ है वो धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। अगर आप कथाओं को देखें तो वो भी मिलती जुलती हैं। जैसे श्रीराम जी ने 10 सिर वाले रावण का वध किया था, वैसे ही तारा देवी जी ने 1000 सिर वाले रावण का वध किया है। तो दोस्तों, इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के लिए हमने सबसे पहले अवतारवाद के सिद्धांत से समझ लिया है और हमें इसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसके बाद इनकी जो उत्पत्ति है कथाओं के माध्यम से भी बताई गई है। कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो उपपुराण हैं महाभागवत और बृहद्धर्म, इन उपपुराणों में भी कुछ कथाएं हैं जिनमें इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति बताई गई है। जैसे कि एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि एक बार सती जी के जो पिता हैं दक्ष, उनके यहाँ यज्ञ था और वो वहां पर जाकर यज्ञ में भाग लेना चाहती थी, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इस तरह का कोई आमंत्रण नहीं आया था। और इस वजह से क्रुद्ध होकर माता सती जी ने 10 रूप धारण किए थे जो 10 दिशाओं में शिव जी को घेर लिए थे, और यहीं से माना जाता है कि 10 विद्याओं का जन्म हुआ था। ऐसी ही एक और छोटी सी पौराणिक कथा है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी एक घर में थे। शिव जी को घर से बाहर जाना था लेकिन पार्वती जी उन्हें नहीं जाने दे रही थी, और जब शिव जी जिद करते हैं तो पार्वती जी 10 अवतार बनाती हैं और उस घर के 10 द्वार जो होते हैं उन द्वारों पर खड़ी हो जाती हैं और बंद कर देती हैं, जिससे शिव जी बाहर नहीं जा पाते। अब ये एक विचित्र कथाएं हैं जिनकी वजह से बताया जाता है कि 10 विद्याओं की उत्पत्ति ऐसे हुई थी, लेकिन इनके पीछे भी एक आध्यात्म छिपा हुआ है। सुनने में ये कथाएं अजीब सी लगती हैं लेकिन इन पर अगर मनन किया जाए और समझा जाए तो इसमें जो आध्यात्म है वो भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए इन कथाओं के पीछे छुपे हुए आध्यात्म को समझते हैं। दोस्तों, अगर आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमने जो अभी पिछली कथा सुनी थी तो विचित्र लगने की बजाय उसमें हमें छिपा हुआ अर्थ समझ में आएगा। जैसे वहां पर बात की गई थी कि जिस घर में शिव जी थे उस घर में 10 द्वार थे, तो 10 द्वार यहाँ पर शरीर को दिखाया जाता है कि जैसे शरीर में 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 2 नाक के छेद हैं, 1 मुँह है, 1 आगे का मल द्वार, 1 पीछे का मल द्वार है और उसके बाद 1 ब्रह्मरंध्र है। तो ये जो 10 द्वार हैं यहाँ पर उस घर से दिखाए गए हैं। उसके बाद जैसे शिव जी बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो योगी होता है, अब जैसे जो इंद्रियां बताई गई हैं उनको विषयरत बताई गई हैं कि वो विषयों की तरफ भागती हैं, तो इस तरह से वो शिव जी बाहर जाना चाहते हैं। आपके अंदर का जो योगी है, साधक है, वो उन विषयों में जाना चाहता है और उसी से बचाने के लिए फिर देवी क्या करती हैं, अपने 10 रूप धारण करती हैं और उस चीज से आपको बचाती हैं, इंद्रियों से आपको संभालती हैं। इंद्रियों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए ये देवी हमें सिखाती हैं और इंद्रिय भोगों से दूर रखती हैं। और ऐसी कुछ व्याख्या आपको शक्ति संगम तंत्र में भी देखने को मिल जाएगी, जहां पर 10 महाविद्याओं में 5 महाविद्या को हमारी 5 इंद्रियों से और शेष 5 महाविद्याओं को 5 पंच महाभूतों से जोड़ा गया है। तो जैसे हमारी इंद्रियां और पंच महाभूत जुड़े हुए हैं, इंद्रियां उनका भोग करती हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्याओं को इन 10 चीजों की देवी बताया गया है जो आपको इन सभी पर विजय दिलाने में आपकी सहायता करती हैं। इसके बाद और अगर गहराई में देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर यहाँ पर जो माता का रूप है वो शिव जी को डोमिनेट कर रही है। इसका अर्थ है कि ये शैव संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ शाक्त संप्रदाय रहा है और पुरुष से नीचे नहीं है महिलाएं, इस प्रकार की व्याख्या करते हुए शाक्त संप्रदाय में देवियों को शिव जी के भी ऊपर रखा गया है। और अगर आप इतिहास में भी झांकेंगे तो एक समय तक स्त्रियों के लिए सीता जी का ही रूप बताया जाता था। स्त्रियों के लिए जो आइडल होती थी वो सीता माँ को दिखाया जाता था, लेकिन जब 12वीं सेंचुरी आई, 13वीं सेंचुरी आई और जब बाहरी आक्रांता हमारे यहाँ हमला करने लगे, आक्रमण करने लगे और स्त्रियों को उठा कर ले जाने लगे, तो स्त्रियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके इस प्रकार की ऊर्जा का संचार करने के लिए माता की इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की गई, जहां पर माता की जितने भी रूप हैं आप देख सकते हैं वो किसी पुरुष पर आश्रित नहीं है बल्कि पुरुष पर डोमिनेट कर रही हैं। इसलिए स्त्रियां पुरुष पर डोमिनेट कर सके इस प्रकार की भावना को भी बढ़ाने के लिए शाक्त संप्रदाय ने 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखा गया है कि स्त्री अपने किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो 16 साल की कुमारी हो या फिर वो विधवा भी हो जाए, लेकिन हर स्थिति में हर रूप में उसके पास उतनी ही शक्ति है। इस चीज को दर्शाने के लिए एक आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं के रूप में 10 महाविद्याओं में विवेचना की गई है, जिससे हर एक स्थिति की स्त्री को इन कथाओं से और माता की भक्ति से ऊर्जा और शक्ति मिलती रहे। इसीलिए हम देख सकते हैं कि कोई भी महाविद्या, चाहे वो तारा देवी जी हो, चाहे वो त्रिपुर भैरवी हो, किसी को भी एक ओबीडियंट वाइफ या फिर परफेक्ट वाइफ की तरह नहीं दिखाया गया, या फिर जो समाज में एक आइडल स्त्री की जगह होती है जैसे सीता माँ की दिखाई गई थी उस प्रकार से नहीं दिखाया गया। उसके पीछे रीजन ही यही है कि स्त्रियां स्वयं में काफी हैं और शक्तिशाली हैं। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए समाज में 10 महाविद्याओं की रचना की गई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ
समझ में आएगा कि 10 महाविद्याएं क्या है, उनका रूप किस प्रकार का है और उनके पीछे जो छुपा आध्यात्म है वो कितना गहरा है। और साथ में साथियों, अगर आपको दुर्गा पूजा के इतिहास के बारे में जानना है तो आप कुकू एफएम पर, जैसा कि मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा करके एक ऑडियो बुक है, उसको जरूर सुने। और दोस्तों, पौराणिक कथाओं के पीछे छुपे हुए दर्शन को, पीछे छुपे हुए अध्यात्म को अगर आपको समझना है तो हिंदू दर्शनों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो अपने शिक्षणम ऐप पर सभी हिंदू दर्शनों को, चाहे वो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, सभी को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा रहे हैं। साथ में हम क्विजेस और नोट्स भी दे रहे हैं जिससे आपको और भी गहराई में चीजें समझ में आए। आप वहां पर दी गई फ्री डेमो वीडियोस को देखकर ये भी पता लगा सकते हैं कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। एक बार हिंदू दर्शनों का आपको ज्ञान होगा तो आप जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोज पाने में समर्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने शिक्षणम ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।